फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो टेस्ट बुक जो ऐप है जहाँ पर ऑनलाइन आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ करने का सबसे सरल तरीका जो भी हो सकता होगा हम आपको बताएंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको यहाँ पर किन किन एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट आपको मिलता है, जितने भी आपके प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं उन सभी का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको टेस्ट बुक को ऐप को रन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड कीजिएगा कहाँ से? तो ऐप डाउनलोड करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, एक तो आपका प्ले स्टोर पर यह ऐप मिल जाएगा, साथ में दूसरा तरीका है कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के, या कमेंट में भी पिन किया हुआ मिलेगा। तो आपको वहाँ पर से क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, जो कि डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। वहाँ से डाउनलोड जब आप कीजिएगा तो आपको क्या करना है, फिर से इसको ओपन करना है। जब आप ओपन इसको कीजिएगा तो ओपन करने के बाद इसको आपको साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, साथ में अपना नेम भरिएगा। इसके बाद आपको इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस जो कि देखने को मिलेगा। इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक पास खरीदना होगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी में आप इसे परचेस कर सकते हैं। पास खरीदने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? तो पास खरीदने के लिए आपको यहाँ थ्री डॉट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, थ्री डॉट पर आप क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पास का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जब पास पर ऑप्शन आएगा उसको आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे जो बेहतरीन आपका जो पास होगा, एक साल का पास होगा जिससे आप परचेस कर सकते हैं। तो एक साल के पास को परचेस करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा 249 रुपये वाला में, जो भी इसका प्राइस है जो घटते बढ़ते रहता है। तो जो भी उस समय का प्राइस होगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय के प्राइस के अनुरूप आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप येली का जो एक साल के लिए वैलिड होगा उसको परचेस कीजिएगा। परचेस करने के लिए यहाँ पर आपको बाय येली टेस्ट बुक दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे जो इसका बेहतरीन तरीका होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आएगा। ठीक है, कूपन कोड जो अप्लाई करने के लिए आएगा, जब आप कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो आपको कुछ 10% 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कूपन कोड में आप यहाँ पर क्या अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर अप्लाई कूपन पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई कूपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको APG, ठीक है, ये कूपन है APG, इसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई का बटन आएगा APG, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 अक्षर का है, इसको आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद लिख कर आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया। जो पास आपको 249 रुपये का था वो आपको मात्र 224 रुपये में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो भी आपको ऑफर होगा उस तरह का लाभ आपको मिल जाएगा, जब भी आप कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा उस समय। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर पे करना होगा। गूगल पे से भी आप पे कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, इसके अलावा अमेजन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। जिससे भी आपको पे करना हो आप यहाँ पर पे कर दीजिएगा। UPI से पे कीजिएगा तो आपको जो भी ऐप पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, उसको रिडायरेक्ट कर लेगा, UPI पिन डालिएगा तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा। नहीं तो आप इसे UPI ID से भी परचेस कर सकते हैं, कार्ड से भी परचेस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं। जिससे आपको सहूलियत हो उससे आप लोग इसको परचेस कर लीजिएगा। परचेस जब कीजिएगा तो परचेस करने के पश्चात फिर से आपको होम पेज पर आना है। होम पर आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, अगर आप पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको कितना दिन लेफ्ट है, या पास नॉर्मल जो परचेस करते हैं कितना दिन लेफ्ट है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि पास प्रो में और पास में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पास प्रो थोड़ा सा महंगा है। जब आप पास प्रो को परचेज जब आप कीजिएगा तो आपको बता दें कि आप यहाँ पर एक जो मॉक होगा, एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, जितना बार आपको मन करे बार बार उसको दीजिए। 10 बार देना है, 12 बार देना है, जब भी आप दे सकते हैं दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो PYQ होता है, PYQ को भी आप यहाँ पर मॉक के तौर पर दे सकते हैं, इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो दो बेनिफिट्स है आपको पास में जो होगा नॉर्मल वाला उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका थोड़ा सा डिफरेंस था। इसके बाद दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देना है, किसी भी एग्जाम का देना हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। टेस्ट के ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। टेस्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको जो भी एग्ज़ाम देना हो, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देना हो आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर किन किन एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट है अपलोड। तो यहाँ पर देखिए, आपको टीचिंग एग्जाम का हो गया, SSC का हो गया, रेलवे का हो गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का होगा, स्टेट लेवल का आपका कोई भी एग्जाम होगा, डिफेंस का होगा, सिविल सर्विसेज का मॉक टेस्ट भी यहाँ पर होगा, पुलिस एग्जाम का भी होगा, BEd इंट्रेंस एग्जाम का होगा, TGT PGT होगा, नॉन टीचिंग एग्जाम होगा। यहाँ पर जो भी एग्जाम आप खोजिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात है कि आपको एक ही पास में इन सभी एग्जामों का चाबी मिल जाता है, या एक कहिए तो सभी एग्जामों को मौका आप दे सकते हैं एक ही पास में। ठीक है, तो जैसे हमको यहाँ पर अगर कोई भी एग्जाम, जैसे कि अभी हाल ही में SSC GD का एग्जाम कंडक्ट होगा, तो SSC GD का एग्जाम कंडक्ट होगा तो हम यहाँ पर SSC GD सर्च कर लेंगे। SSC GD जैसे सर्च करेंगे तो अगर आप लोग प्रो लिए होंगे तो प्रो में आपको इस तरह का मिलेगा, साथ में इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका PYQ है। ठीक है, पहले हमने आपको बताया, साथ में इसका आप मॉक भी दे सकते हैं। मॉक देने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है,
उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, सारा आपको यहाँ पर बताया गया होगा कैसे क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज होगा आप उसको चूज कर लीजिएगा। मीडियम चूज कीजिएगा, कौन से मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका मॉक टेस्ट है, आपको स्टार्ट हो जाएगा। जितना देर का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सेंटर पर, उतना देर का ही आपको यहाँ पर टाइमिंग जो कि चलता हुआ देखने को मिलेगा। डेढ़ घंटा का एग्ज़ाम होता है, तो डेढ़ घंटा आपको यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा पहले आपको रीजनिंग का पोर्शन मिलेगा, रीजनिंग का 20 प्रश्न मिलेगा। रीजनिंग के अलावा आपका जनरल अवेयरनेस का भी मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के अलावा मैथमेटिक्स आता है SSCET में, तो वहाँ का भी देखने को मिलेगा। साथ में हिंदी का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हिंदी चूज वहाँ पर करेंगे तो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश चूज कीजिएगा तो इंग्लिश का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, मतलब डन कर लीजिएगा, जब आप मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर देख रहा होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक यहाँ पर कीजिएगा, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे अंत वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है, आपने कितना अटैम्प्ट किया है, कितना आपने अन अटैम्प्ट किया, यानी कि कितना अटैम्प्ट नहीं किया है, और कितना आप मार्क पर उसको छोड़े हैं। तो इन सब के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पर होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यस पे। यस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक तो सबसे पहले एनालिसिस देखने को मिलेगा कि आपका कितना रैंक आया, इसके बाद आपने कितना स्कोर अचीव किया। स्कोर अचीव करने के साथ साथ आपको यहाँ पर कटअप भी देखने को मिलेगा। जनरल कटअप है 68 से 71। इसके अलावा जनरल के अलावा भी यहाँ पर सभी कैटेगरी का कटअप है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है। जो भी लोग आप लोग जो भी कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपना कटअप भी दे सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर परसेंटाइल देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपने कितना अटैम्प्ट किया वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। सोल्यूशन पर जाइएगा तो जैसे जैसे आप एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, उसके अलावा सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिन एग्जामों का भी आपको सोल्यूशन चाहिए उसको आपको वहाँ पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो आपने मारा होगा वहाँ पर आएगा, जो सही उत्तर होगा वो आएगा। साथ में इसके नीचे रहिएगा तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका देने का तरीका है। साथ में यहाँ पर लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा, आपके यहाँ पर कितना लीडर बोर्ड पर नंबर आया है, कौन प्रथम पे आया है, कितना जो फर्स्ट पे आया है उसने कितना मार्क अचीव किया है, तो ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेस्ट बुक को आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी जब भी आप परचेस को करने जाइएगा, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, आपको हमेशा ये कूपन कोड डिस्काउंट जो कि देने का प्रयास करेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी क्यूरी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वहाँ पर उसका सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।